नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं पीएम एफ न्यूज। इस समय जो तस्वीर दिखा रहे हैं मलिक चौक की, जहां पे हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, निकाय मंत्री, हरियाणा सरकार का निवास स्थान। और जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, दूरदर्शन बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग हैं, जो लगातार 53 दिन से शहर हिसार में लगातार दूरदर्शन को बचाने के लिए, दूरदर्शन को स्थानांतरण को रोकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तरह तरह से आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे नेता पक्ष विपक्ष के इनके साथ समर्थन में आ गए हैं। और अब आप देखें, दरी लेकर के पहुंच गए हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, निकाय मंत्री हरियाणा सरकार के बिल्कुल निवास स्थान के सामने, और दरी बिछा ली गई है। और अब शुरू होता है उस मांग को दोहराने का, जो लगातार 53 दिन से उठाई जा रही है, कि किसी तरह से हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र को, जो चंडीगढ़ स्थानांतरित किया जा रहा है, उसको रोका जा सके। इसके लिए तैयारियां और जन समर्थन जुटाने का प्रयास जो है ये लोग कर रहे हैं, और मिल भी रहा है लगातार जन समर्थन। और ये महाशय देखिए, अपनी टोपी के ऊपर लिखा हुआ है कुछ जो साफ नज़र आ रहा है कि आंदोलन की ये भी एक रूपरेखा है। आशीर्वाद मिल रहा है लगातार उन कर्मचारियों को जो अपना पार्ट टाइम और फुल टाइम यहाँ दूरदर्शन के लिए लोगों को नई नई सूचनाएं देने के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन क्या सरकार इनकी बात को, इनके जो आवाज़ को अनसुना कर रही है? लगातार आंदोलन चल रहा है, और इसके अंदर बात करें तो कई नेता इस बारे में, यहाँ तक कि विधानसभा में भी आवाज़, इसकी मांग जो है दूरदर्शन को हिसार ही रहने देने की उठ चुकी है। लेकिन क्या होगा, अब कुछ लोग तो अपनी ढोल लेकर भी यहाँ पे पहुँचे, तो एक बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा इसको सीख ले, अब अगर ये दूरदर्शन हिसार नहीं रुका तो यही बजाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये तस्वीरें हिसार की, आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। हिसार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिसार दूरदर्शन को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो।